कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि रिसोर्सेज कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है। ठीक है, एंड देर आर टू सब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कितने टाइप है? टू टाइप्स है। ठीक है, शायद से सभी ने नाश्ते किए हैं, खाना वगैरह जो भी सुबह कुछ ना कुछ तो खा के आए होंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोलो। ठीक है, जब मैं बोलने बोलूंगा तब आपको बोलना है। ठीक है, चुपचाप ऐसे बैठे मत रहो, नहीं तो नींद आएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, पकेगा बस। ठीक है, तो टू टाइप्स के रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, दो टाइप के रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब इन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? टर्म से ही आपको पता चलता है, बायोटिक यानी कि रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसके अंदर काउंट हो जाएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। और अबायोटिक में क्या काउंट होगा? जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ बायोटिक रिसोर्सेज में से बेस्ट एग्जाम्पल होगा ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कंपनी में एचआर होते हैं, ठीक है, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, एचआर जो होते हैं वो काम क्या करते हैं? कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज हैंडल करते हैं, यानी कि वो लोगों को जज करते हैं और उनके बेसिस पे उन्हें काम एलोकेट करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन मैकेनिक में बहुत अच्छा है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर आप रिसेप्शन पे खड़े रहो। ठीक है, बिकॉज रिसेप्शन पे अगर एक मैकेनिक खड़ा रहेगा तो उसका उधर कोई काम नहीं। ठीक है, तो उसे क्या काम एलोकेट किया जाएगा कि आप जितने भी कंपनी के इलेक्ट्रिक वाले पार्ट्स हैं वो मैकेनिक का काम करो, आप उसे वही काम दिया जाएगा। बराबर, तो जितने भी कंपनीज में आपको काम दिए जाते हैं, आपकी सैलरी जो डिसाइड की जाती है आपके स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है, वो कौन करता है? एचआर करता है। कौन करता है? जिसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्सेस है जिन्हें हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, और कोई भी कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, उसके लिए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन है, जितना ज्यादा स्किल्ड होगा उतना ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाएगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुलनेस होगा। क्लियर हुआ सभी को? तो वो आ जाएगा किसके अंदर? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब अबायोटिक के अंदर फैन, बराबर, फैन मेरा क्या है? रिसोर्सेज है, मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, फैन चालू कर दिया, ठीक है, और बहुत गर्म लग रहा है, एसी चालू कर दिया, एसी मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो रिसोर्सेज है। बराबर, क्योंकि वो मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है और वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वो किसके अंदर आ जाएगा? अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर काउंट होगा। समझा सभी को? क्लियर है? पक्का? श्योर? ओके, चलो अब बायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर क्यों बायोटिक रिसोर्सेज पढ़ो। बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, हार्ड लाइफ, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ओके, बायोटिक रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बोला, लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स जितने आ जाएंगे, ठीक है, और वो हमारे लिए रिसोर्सेज बनेंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्पीयर्स, स्पीयर्स आपको ऑलरेडी मालूम है कि कितने स्पीयर्स होते हैं और क्या स्पीयर्स है, ठीक है, ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। ठीक है, देन जिन्हें लाइफ होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी एचआर के बारे में बोला, ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्सेज हो जाएगा आपका। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, ठीक है, फाउना यानी कि एनिमल्स, ठीक है, देन फिशरीज, फिशेस, ठीक है, और पीसेस ऑफ स्पीसीज ऑफ पीस, पीसेस, ठीक है, जिसको आप बोलोगे फिशेस। क्लियर हुआ? देन लाइफ स्टॉक्स यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, जो चीजें हैं, ठीक है, आप जो एनिमल हस्बेंड्रीज वगैरह करते हो, ठीक है, दैट विल बी काउंटेड एज लाइफ स्टॉक्स।
क्लियर हो गया सभी को? yes. पक्का श्योर? देन अबायोटिक रिसोर्सेज, यस कंटिन्यू क्यू? कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स. ठीक है, कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स. मेटल्स मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. मैंने मेटल का डोर बनाया, ठीक है. एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील हमारे इंडस्ट्रीज है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रिसोर्सेस है. बट वो कैसा है? नॉन लिविंग थिंग, उसमें कोई भी जान नहीं. ठीक है, रॉक दूसरों को मारने के लिए बहुत काम आते हैं. ठीक है, तो रॉक अगेन इट्स नॉन लिविंग थिंग, बट रॉक से मैं बिल्डिंग्स बना सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, तो अगेन मेरे लिए वो क्या है? रिसोर्सेस. ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, याद रखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक. ठीक है, स्टॉप करो.